तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोथेरेपी के ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो उसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव असेसमेंट के बारे में जानना है तो आप लोग जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने पहले से वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। तो गुरु लोग, कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से। तो यूजुअली हम जो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट होता है उसको हम सोप की फॉर्म में करते हैं, SOAP। S सब्जेक्टिव, O ऑब्जेक्टिव, A असेसमेंट और P फिजियोथेरेपी प्लान। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम डेमोग्राफिक डाटा लेते हैं, नाम, एज, ये सब वगैरह, और पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि क्या चोट कैसे लगी, क्यों लगी, उसकी ऑक्यूपेशन क्या था, क्या चीज़ें कैसे हुई। और इसके बाद फिर उसके बाद हम पेन असेसमेंट करते हैं कि पेन कैसा है, क्यों है, कहाँ पे है, क्या क्या किस चीज़ से बढ़ जाता है, किस चीज़ से घट जाता है, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में हम स्टार्ट करेंगे सेंसोरियम से, यानी कि हम पेशेंट को चेक करते हैं कि उसका जो अटेंशन रेट है वो कितना है। तो उसके चार पीरियड्स होते हैं कि अगर पेशेंट अलर्ट है, अटेंशन है, उसको सब पता है, डेट, टाइम, कहाँ पे क्या कर रहा है, तो मतलब वो सबसे बेस्ट ग्रेड पर है। और अगर कोमा में है, उसको कुछ भी नहीं पता कि उसके आसपास क्या क्या हो रहा है, तो सबसे बुरी स्टेट होती है। और ये हम तब परफॉर्म करते हैं जब पेशेंट जो है वो IPD में होता है, कि उसकी जो अटेंशन रेट और ये सारी चीज़ें जानने के लिए कि वो कितना अवेक है और कितना कॉर्पोरेट कर सकता है हम लोगों के साथ। फिर उसके बाद हम पेशेंट का एम्बुलेटरी स्टेटस चेक करते हैं कि जो पेशेंट है वो कितना चल सकता है, उसे अगर चलने के लिए किन किन एड्स की ज़रूरत है। अगर किसी एड्स की ज़रूरत है तो वो सारी हम चीज़ें नोट करते हैं कि अगर कोई व्हील चेयर चाहिए, कोई क्रचेस चाहिए या फिर कोई स्टिक चाहिए चलने के लिए, तो वो सारी चीज़ें। देन फिर उसके बाद हम पेशेंट का बॉडी बिल्ड चेक करते हैं कि वो कैसा है एक्चुअली, वो चीज़ें नोट करते हैं, एंडोमॉर्फिक है, मीजोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है। देन फिर उसके बाद हम पेशेंट का पोस्चर चेक करेंगे। तो पोस्चर चेक करने के लिए हम तीन व्यूज उसके लेते हैं, सबसे पहले फ्रंट से, देन लेटरल साइड से, देन उसके बाद पोस्टीरियर साइड से। तो फ्रंट साइड से हम हेड की सिमेट्री देखेंगे कि वो किस तरफ भी हैंग ना कर रहा हो, टिल्ट ना कर रहा हो। शोल्डर्स को देखेंगे, वो ऑलमोस्ट एक लाइन में होने चाहिए, एक ऐसे ट्रांसवर्स लाइन में बिल्कुल परफेक्टली। और फिर उसके बाद हम पूरा बॉडी, थोरैक्स का पूरा पॉस्चर देखेंगे। उसके बाद हम पेल्विक टिल्ट देखेंगे कि पेल्विस कहीं पे कोई टिल्ट, पेल्विक लिटरली टिल्ट तो नहीं कर रहा है। और उसके बाद फिर हम फ्रंट से कोई डिफॉर्मिटी देख सकते हैं, नी की, हिप की, एंकल की, कोई भी वैरस या फिर वैलगस डिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें हम फ्रंट साइड से पॉस्चर में देखेंगे। देन फिर लिटरल साइड से हमारा जो पॉस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंडिंग होना चाहिए, शोल्डर्स राउंडेड नहीं होने चाहिए, हेड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और इसमें हम कोई भी स्पाइन की यूजुअली डिफॉर्मिटी देख सकते हैं स्कोलियोसिस को छोड़ करके, बट फिर भी स्कोलियोसिस भी इसमें दिखी जाता है। तो लेटरल साइड, लेटरल व्यू में हम ये देखेंगे कि जो हेड है वो सामने ऑफ होना चाहिए, कोई भी अगर नेक की डिफॉर्मिटी है, फॉरवर्ड बेंडिंग पॉस्चर है ऐसे, या फिर हंच्ड बैक है, लॉर्डोसिस है किसी भी तरीके का, और इसके अलावा कोई भी पेल्विक टिल्ट है एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम दिख जाएंगी। अगर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी है वो इसमें हमको दिख जाएगा। देन फिर पोस्टीरियर साइड से हम चेक करेंगे सेम चीज़ें कि बॉडी ऑलमोस्ट पूरी सिमेट्री में होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई स्पाइन की डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। अगर स्कोलियोसिस है या फिर ऐसी कोई डिफॉर्मिटी है स्पाइन की तो वो पता चल जाएगा उससे। अगर स्कैपुलर प्लेन में कोई दिक्कत है तो वो पता चल जाएगा उससे। फिर देन इन ऑब्जर्वेशन असेसमेंट में हम पेशेंट की मसल ग्रोथ देखेंगे कि किसी मसल की एट्रॉफी तो नहीं हो रखी है या फिर किसी मसल की हाइपरट्रॉफी तो नहीं हो रखी है। और मसल ट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी हम हमेशा कंपेयर करते हैं दूसरी साइड से। अगर एक साइड में आपको लग रहा है कि एट्रॉफी हो रखी है तो आप उसको दूसरे साइड से कंपेयर करेंगे। तो
इसको चेक करने के लिए या तो आप ऐसे देख करके चेक कर सकते हैं या फिर आप इंची टेप से भी चेक कर सकते हैं मसल गर्थ को चेक करके। और फिर उसके बाद हम पेशेंट का कोई भी ऑर्थोसिस या फिर प्रोस्थेसिस है उसके पास तो वो चेक करेंगे, वो हम अपने वो अपने असेसमेंट पे हम लिखेंगे कि अगर कोई भी ऑर्थोसिस या फिर प्रोस्थेसिस यूज़ कर रहा है तो कोई क्रचेस, कोई स्टिक, कुछ भी अगर वो चलने के लिए यूज़ करता है या फिर कोई उसके पास प्रोस्थेटिक आर्म है या फिर प्रोस्थेटिक लिम उसको लगा हुआ है तो वो सारी चीज़ें हम नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद हम पेशेंट का गेट चेक करेंगे कि वो किस तरीके से चलता है, पूरा उसका गेट पैटर्न, और अगर कोई भी पैथोलॉजिकल गेट है तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो गेट को चेक करने के लिए हम पेशेंट को अलग अलग तरीके से वॉक करा करके चेक करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल वॉक, और पेशेंट को हमेशा बेयर फुट वॉक करवानी है जब भी आप गेट चेक कर रहे हो तो, और उसको हमें नॉर्मल वॉक करा करके देखनी है, और उसके बाद फिर स्लो और फास्ट वॉक कि वो कितना स्ट्रेस झेल सकता है, और फिर उसके बाद अगर वो कोई ऑर्थोसिस यूज़ कर रहा है जैसे स्टिक या फिर क्रच, केन, कुछ भी, तो उसके साथ हमें उसको वॉक करा के देखना है कि वो उसके साथ कितना कितना अच्छे तरीके से वॉक कर सकता है। तो अब फिर इसको गेट को भी हम तीन व्यू से देखेंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। तो एंटीरियर व्यू से हम क्या देख सकते हैं, कोई भी अगर थोरैक्स की ऐसे स्विंगिंग है चलते वक्त तो वो हम चेक कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट अपना हाथ अपनी नीज तक ले जा रहा है चलते वक्त तो वो हम चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सर्कमडक्टरी गेट है तो वो हमें फ्रंटल प्लेन से दिख जाएगा, और अगर कोई भी लिटरल पेल्विक टिल्ट हो रहा है चलते वक्त तो वो हमें दिख जाएगा। और फिर उसके बाद लेटरल साइड से हम एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट पता कर सकते हैं पेल्विस का। और इसके अलावा अगर वो चलते वक्त कोई भी किस तरीके की लॉर्डोटिक या फिर हंस्ड बैक डिफॉर्मिटी शो कर रहा है तो वो हमें दिख सकते हैं लेटरल व्यू से। पेशेंट किस तरीके से वॉक कर रहा है वो सारा आपको नोट डाउन करना है। और इसके अलावा जो हमारे पैथोलॉजिकल गेट्स हैं वो ये हैं, तो इनके हिसाब से फिर आप देख लीजिए कौन सा गेट उसके लिए सुटेबल है, कौन से गेट पैटर्न से वो चल रहा है। देन फिर ऑन ऑब्जर्वेशन के बाद आता है हमारा ऑन पैल्पेशन। तो ऑन पैल्पेशन हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, सबसे पहले हम टेंडरनेस चेक करेंगे, जो पेशेंट है उसको कितनी टेंडरनेस है। टेंडरनेस का मतलब होता है कि टच करने पर पेन कितना है। तो जो टेंडरनेस की ग्रेड्स होती हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, इन ग्रेड्स के हिसाब से आप टेंडरनेस को ग्रेड कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद हमें चेक करना है पेशेंट का क्रेपिटस, पैसिव मूवमेंट में, एक्टिव मूवमेंट में, दोनों में उसका क्रेपिटस चेक करना है। और तो देन अगेन जो क्रेपिटस की ग्रेड्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं आपको दिख जाएंगी, इसके हिसाब से आप ग्रेड कर सकते हैं। जो एडिमा और स्वेलिंग होती है वो भी दो टाइप की होती है, पिटिंग और नॉन पिटिंग, वो आपको चेक करना है पैल्पेट करके। तो देन अगेन जो पिटिंग एडिमा होता है उसकी भी ग्रेड्स होती हैं, वो ये रिंग वो आप चेक कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद आता है हमारा ऑन एग्जामिनेशन, जो हमें प्रॉपर टेस्ट परफॉर्म करने हैं जो कॉन पॉइंट डिजीज है उसको फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम वाइटल साइंस चेक करेंगे, हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद हम पेशेंट का मोटर एग्जामिनेशन करेंगे। मोटर एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले पेशेंट की आरओएम चेक करनी है। तो आरओएम भी दो तरीके से चेक करनी है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव आरओएम पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि सारी मूवमेंट्स करके दिखाओ, या फिर जो भी उसका जॉइंट अफेक्टेड है या फिर जो पार्ट अफेक्टेड है उस पार्ट की हमें आरओएम चेक करनी है। देन फिर उसके बाद हम पैसिव आरओएम चेक करेंगे। पैसिव आरओएम से हमें पता चलेगा कि एक्टिव आरओएम और पैसिव आरओएम में डिफरेंस कितना है। अगर एक्टिव आरओएम में कम है और पैसिव आरओएम पूरा जा रहा है तो मतलब उसमें जो मसल है वो वीक है, उसे हमें स्ट्रेंथ करवाना है। और अगर पैसिव आरओएम और एक्टिव आरओएम ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों बराबर ही हैं, तो क्या होगा कि या तो कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई मालफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगा। फिर पैसिव आरओएम में हम एक और चीज़ देखेंगे जिसे हम कहते हैं एंड फील। हर जॉइंट की जो एंड फील है वो अलग होती है, सॉफ्ट, हार्ड, बोनी, ये सारी एंड फील्स, हर जॉइंट की अपनी नॉर्मल एंड फील अलग होती है। एंड फील का मतलब होता है कि जब भी जॉइंट अपने एक स्पेसिफिक मूवमेंट में जाकर के लॉक होता है, मतलब अपनी एंड रेंज ऑफ जो अपनी एंड आरओएम में, एंड रेंज ऑफ मोशन में पहुंचता है, जिसकी लिमिट होती है, तो वहां पर वो जाकर के आप कैसा फील करवाता है,
जब भी आप पैसे मूवमेंट करेंगे किसी पेशेंट का तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से, तो आपको फील होगा कि वो जॉइंट है वहां पे जाकर के किस तरीके से लॉक हो गया है। जो एंड फील और आरआईएम का चार्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसमें मिल जाएगा कि कौन से जॉइंट का एंड फील कैसा होता है और कौन से जॉइंट का आरआईएम कितना होता है, जो नॉर्मल आरआईएम और नॉर्मल एंड फील है। देन फिर उसके बाद हमें चेक करना है पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ। तो मसल स्ट्रेंथ के लिए हम एमएमटी करेंगे, तो मैं अगर आपको एमएमटी के बारे में जानना है उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, बट फिर भी इस वीडियो में एक ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि एमएमटी के ग्रेड्स क्या क्या होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 मतलब नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, 1 ट्रेसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, 2 होता है ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है मसल या फिर मूवमेंट करवा सकती है, देन 3 होता है ग्रेविटी, देन ग्रेड 3 होता है ग्रेविटी अगेंस्ट प्लेन में मूवमेंट करा सकती है। जैसे कि ग्रेविटी एलिमिनेटेड का मतलब है कि ये ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन है, हम अगर इसमें एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे तो इसमें ये ग्रेविटी एलिमिनेटेड है और ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, ठीक है। देन फिर उसके बाद ग्रेड 4, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस, माइल्ड या मॉडरेट रेजिस्टेंस। ग्रेड 5 अगेंस्ट हैवी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम एमएमटी को चेक करते हैं। हर जॉइंट के एमएमटी चेक करने के लिए अलग तरीका होता है, अलग पोजीशंस होती हैं। उसके बाद हम कुछ इसमें थोड़ा बहुत सेंसरी चेकअप भी करते हैं, जिसमें हमारा टच, पेन, टेम्परेचर और सॉफ्ट टच, लाइट टच, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर उसके बाद काइनेस्थीसिया, ग्राफिस्थीसिया, प्रोप्रियोसेप्शन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। वो सेंसरी एग्जामिनेशन और सेंसरी असेसमेंट के वीडियो में मिलेगा आपको, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लिंक मिल ही जाएगा अगर वो वीडियो अभी तक आ गई होगी तो। बट फिर भी इसमें एक मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा मेन चीज़ जो आपको ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही, आपको जॉइंट सेंसेस को चेक करना है, प्रोप्रियोसेप्शन को चेक करना है कि जो पेशेंट है उसको अपने जॉइंट का सेंस है या नहीं है, प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थीसिया। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को बैठाना है या फिर लेटाना है, उसके बाद आपको जहाँ भी लगता है कि उसे इस पार्ट में प्रॉब्लम है, या मान लीजिए कि उसको राइट हैंड में, राइट हैंड के एल्बो जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि उसकी सेंसिटिव सप्लाई कट गई होगी या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को लेटाना है और फिर उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि अपनी आंखें बंद करके इस लेफ्ट हैंड में, फिर आपको बोलना है पेशेंट को बोलना है कि आंखें बंद करो, और फिर उसके बाद उसे बोलना है कि लेफ्ट हैंड में वो सेम मूवमेंट करो जो मैं राइट हैंड में कर रहा हूँ। आपको पैसिवली राइट हैंड को मूव करना है और फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो एक्टिवली अपने लेफ्ट हैंड को मूव करेगा, सेम मूवमेंट करेगा जो मूवमेंट आप राइट हैंड में करेंगे। अगर वो ठीक से कर लेता है तो मतलब उसका प्रोप्रियोसेप्शन इंटैक्ट है, जॉइंट सेंसरी मोशन कहीं पर उसके जॉइंट सेंसेस का बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर नहीं कर पाता है तो मतलब जो जॉइंट सेंसरी सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देन फिर उसके बाद आपको चेक करनी है लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज, कि कोई भी ऐसे लिम्ब लेंथ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी लिम्ब छोटा बड़ा नहीं है, वैसे तो आपको यूजुअली देख कर पता चल ही जाएगा, बट फिर भी लिम्ब लेंथ को आपको इंची टाइप से प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद हमें फंक्शनल इवेल्युएशन करना है पेशेंट का, कि वो अपने डेली लाइफ के जो काम है, एडीएल्स हैं, वो ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर आपको आप अपर लिम्ब के चेक करेंगे तो आप हेयर कॉम्बिंग, शर्ट के बटन लगाना, फीते बांधना, टॉयलेटिंग, ये सारी चीज़ें आप अपर लिम्ब में चेक करेंगे और उसका गेट चेक और उसका एम्बुलेटरी स्टेटस चेक करेंगे लोअर लिम्ब में। और एम्बुलेटरी स्टेटस में आपको दोनों चेक करना है, नॉर्मल ऐसे प्लेन सर्फेसिस पे, और उसके बाद और वो भी बेयर फुट और शूज के साथ में दोनों। और इसके बाद स्टेयर क्लाइंबिंग चेक करनी है कि स्टेयर्स पे क्लाइंब कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद आपको स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने हैं, जिस भी जॉइंट या पार्ट का आपको लगता है कि इस जॉइंट में प्रॉब्लम है तो आपको उसके स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने हैं। वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि जब आपको पता चल ही गया है
कि यहीं पे प्रॉब्लम है, तो आपको उस पार्ट के स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने हैं जिससे आप डिफरेंशियली आप डायग्नोस कर सको कि हाँ यही प्रॉब्लम है। उसके बाद आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दोगे और इमेजिंग के लिए एक्सरे MRI, जिससे आपको एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिले कि हाँ कंफर्म करने के लिए कि हाँ बस हाँ कि हाँ यही पेशेंट को डिजीज है। देन फिर यहाँ पे आपका जो असेसमेंट है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस। हम उसके बाद उसका डायग्नोसिस बनाएंगे कि हाँ पेशेंट को ये दिक्कत है, और फिर एंड में आप एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे कि जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, देन उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट कि आपको क्या 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 कर पाना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है, कौन सी मोडलिटीज देनी है, कितने टाइम तक उसका वो ट्रीटमेंट चलेगा, एंड आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो हील हो जाएगा, कब तक वापस अपनी डेली लाइफ में चला जाएगा, कौन सी आपको सर्जरीज करवानी है पेशेंट की अगर आपको लगता है तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप एक ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में लिखेंगे। और लोग आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसके अलावा आपको फिजियोथेरेपी के सब्जेक्टिव असेसमेंट की वीडियो यहाँ पे दिखी जाएगी, आप जाकर देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं अगर आप लोगों को पसंद आती है। आज की वीडियो के यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हैं, जाकर के चेकआउट कर लो। और अगर आप लोगों को पसंद है जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा कीपिंग हैप्पी, कीपिंग ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।